सर आज जो है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी इलेक्शन, लेकिन एक बड़ी बात है सपा की तो ऐसा है कि जो हम लोग काम कर देते हैं वो उसको कहते हैं कि हमारा नाम सरकार ने गोलियाँ चलवाई थी, आज वो भी कहते हैं कि वो भी हमारा है। इसलिए अब वो देख रहे हैं, लोग समझ गए, पहले वो दूसरे दृष्टिकोण करते थे, अब छद्म हिंदी दृष्टिकोण पर उतरे हैं, इस तरह 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 की बातें करते हैं। जबकि हम लोगों का जिन उससे संकल्प रहा है काशी का भी और अयोध्या का भी और मथुरा का भी विकास करना, क्योंकि सांस्कृतिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक सिर्फ आर्थिक विकास से नहीं, दोनों विकास साथ साथ चलेंगे तभी संभव हो सकेगा संपूर्ण विकास। अब बाबा का आशीर्वाद वो क्या मांगते हैं तो वही बताए, क्योंकि खोया हुआ मुख्यमंत्री पद ही मांगते होंगे शायद, लेकिन वो प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि वो हर चीज में राजनीति करते हैं। हम आस्थाओं की बात करते हैं, हम अपने देश की पुरानी अस्मिता की बात करते हैं, इसकी लड़ाई लड़ते हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति है टोटली, इसलिए राजनीति की बात करते हैं। ऐसा है कि वाराणसी का जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी के सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब सियानी बिल्ली खंभा नौचे, अखिलेश कह रहे हैं इसको एक ही सेंटेंस में नाप देता हूँ। सर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, सपा अध्यक्ष ने चुनाव से एक साल पहले ही ऐसा मन क्यों बना दिया? वो कांग्रेस से गठबंधन करके भी देख चुके हैं अपना भविष्य और हष्ट, बीएसपी से गठबंधन करके भी अपना हष्ट देख चुके हैं, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। हताश व्यक्ति की ये परिभाषा है, ये हताश व्यक्ति की भाषा है। अखिलेश हर चुनाव में नया प्रयोग करते देखे जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने नए प्रयोग से किनारा कर दिया है, क्या विधानसभा चुनाव में वो अपनी रणनीति को बहुत हद तक सफल मानते हैं? देखिए, जो रणनीति अब तक उन्होंने बनाई उस सब रणनीति में वो विफल हुए, इसलिए विफल व्यक्ति जो भी रणनीति बनाएगा वो सत्ता की ओर ले जाएगा जब तक जनता उनके साथ नहीं खड़ी होगी। आज जनता सपा और बसपा से कट चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यूपी जी और मोदी जी के साथ है। सपा बसपा और कांग्रेस तीनों ही अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, इससे भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? सीधा सीधा फायदा होना ही है, वो मिल के लड़े तो भी भाजपा 80 सीट जीतेगी और अलग अलग लड़े तो भी 80 सीट। क्या लगता है अखिलेश नहीं चाहते कोई दूसरा दल यूपी में उनसे आगे निकले, क्योंकि 2019 में जब बसपा से गठबंधन हुआ तो बसपा ने 10 सीट जीती और सपा को 5 सीट जीती? देखिए, अखिलेश यादव को ये चाहेंगे कि कोई दूसरा विरोधी दल ना हो तो इसलिए वैक्यूम को वो कर सके, लेकिन वो इस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विश्वव्यापी हो चुका है और हमारे योद्धे पूरे राष्ट्र के नेतृत्व कर रहे हैं और मोदी जी पूरे विश्व का कर रहे हैं, उनकी जो नीतियाँ हैं, उनकी जो कार्यक्रम है, आम जनता उन सकती है, इसलिए वो किसी भी फार्मूले को किसी प्रयोग को करने में सबसे बनी रहे। एक आखिरी सवाल, पहले मायावती ने बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने की बात कही, अब अखिलेश यही बात कह रहे हैं, क्या ये कांग्रेस के लिए झटका? कांग्रेस कहीं है ही नहीं तो उसके लिए झटका क्या होगा? झटका क्या है?